25 साल के नौजवान की सरेआम हत्या से राजधानी दिल्ली सन्न है। घर से खींचकर उसे लहूलुहान कर दिया गया। आरोप लग रहा है कि वो राम भक्त था, इसीलिए उसको मार दिया गया। वो राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। चीख चिल्लाहट, लाठी डंडों से लैस, मरने मारने को उतारू। ये वायरल वीडियो बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े रिंकू शर्मा की हत्या से कुछ देर पहले का है। रिंकू और उसके भाई को बाहर जाने से रोक रही है उनकी माँ। बाहर दरवाजे पर शोर शराबा है, गाली गलौज हो रही है। मंगलवार की रात के इस वीडियो के बाद ही रिंकू की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को घर से खींच कर ले जाया गया और बीच गली में चाकू घोपकर लहूलुहान कर दिया गया। रिंकू को आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, वहां भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। बाद में लड़ाई खत्म हुई तो रिंकू की जिंदगी की जंग भी खत्म हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान रिंकू की मौत हो गई। 30-40 जने, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती। मेरे को रोने में लग रही, माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे से फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो चारों को मारने आए थे हमारे, आए तो पांचों को थे। छोटा वाला मेरा घर में नहीं था, हमें तो पांचों को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर, मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था सर? मैं नाम नहीं जानती, कितने जने थे किसको जानू। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। बस सर और कुछ नहीं। उस रात रिंकू बर्थडे पार्टी में गया था, फिर अचानक भागते हुए घर लौट आया और पीछे पीछे हमलावर भी घर तक पहुंच गए। वायरल वीडियो में हमलावर के हाथ में चाकू दिख रहा है। पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी क्योंकि हम आपस में ही, फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। माँ का रोते रोते बुरा हाल है, कभी सोचा नहीं था कि बेटे को इस तरह से खो देगी। जान लेने वाला भी पड़ोसी है। घर वालों का आरोप है कि धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी नसरुद्दीन से उसका विवाद चल रहा था। 5 अगस्त को भी झड़प हुई थी जब उसने राम जन्मभूमि समर्पण निधि यात्रा निकाली। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको। बस सर, आप तो वीडियो दिखा, रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं, मेरा कमाने वाला वही था सर घर में। पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया, और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर। इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो रहे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है नसरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब उर्फ नाटू, जाहिद उर्फ छिंगू। पुलिस इस हत्या को मामूली झगड़े का नतीजा बता रही है, जिसका धार्मिक द्वेष से कोई लेना देना नहीं है। बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है।
पुलिस भले ही रंजिश का मामला बता रही है, लेकिन राम भक्त की हत्या पर सियासत फुल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।